सो गाइस, आज एक घटना हो गई थी। कुछ जैसे कि आज मैं ऑफिस से आ रहा था, तो आप देख सकते हैं ये खून के निशान। ये एक्चुअली खून के निशान है, बाकी कलर है। तो मैं ऑफिस से आज लेट हो गया। मैं ऑफिस से निकल रहा था तो क्या बोलते हैं, बाहर ऑफिस से कुछ दोस्त वोस्त की लड़ाई हो गई थी। उन्हीं के साथ हाथापाई के चक्कर है, बचाने के चक्कर में, तो एक साथी था, उसके खून आ रहा था नाक से, तो उसी के छींटे हैं। बाकी काफ़ी दिन से आप लोग बोल रहे थे कि एक फ्रैंक वीडियो बनाइए सिमरन के साथ, तो मैंने आज ये सोचा कि इसी बहाने फ्रैंक वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी रात हो गई है, आते आते ऑफिस से 13 हो गया, तो शायद सिमरन सो गई है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, उसको जगाऊँगा, फ्रैंक देखता हूँ, उसका रिएक्शन देखता हूँ क्या होता है उसका रिएक्शन, फिर आपको मैं दिखाता हूँ उसका रिएक्शन। काफ़ी डर भी जाएगी वो, क्योंकि कभी उसने मुझे ऐसे देखा नहीं है। पहला फ्रैंक रहेगा हमारा उसका, तो वो देखते हैं कैसा होता है। और आप लोग बोल भी रहे थे कि फ्रैंक वीडियो बनाइए, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिएक्शन होता है उसका। बस मुझे डर यही है कि वो बेहोश ना हो जाए डर के मारे, क्योंकि कभी उसने फोन वोन देखा नहीं मेरे, और ऐसा रियल फोन ऐसा नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये सब देख रहे हैं जो आप, ये सब मैंने रंग डाला हुआ है। मैं बाहर से आया था तो मैंने एक रंग खरीद लिया था, रुमाल मेरे पास थी तो मैंने यहाँ रंग लगाया हुआ है। चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ सिमरन का रिएक्शन, तो आपको मजा आने वाला है। मुझे डर भी लग रहा है उसका रिएक्शन में कहीं बेहोश ना हो जाए। चलिए देखते क्या होता है। तो अब मैं कैमरा सेट कर देता हूँ, उनको सोने देते हैं, कैमरा सेट कर देता हूँ, देखता हूँ उठेगी तो कपड़ा वपड़ा चेंज करके जरूर उठ जाएगी वो। तो कैमरा सेट कर देता हूँ, वो तो अभी भी सो रही है। बाबू थोड़ा थोड़ा जाग गया है लेकिन अभी वो सो रही है। मैं कैमरा सेट करता हूँ और रिएक्शन देखता हूँ, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है बताओ, पानी चलाओ, पानी गर्म करो, पानी क्या चलो, ये क्या हुआ है सर पे, ये बताओ हुआ बताओ, कैसे चोट लगी है इतना सारा खून? अरे ठीक है, खून नहीं है सर। क्या है, खून नहीं है तो ये क्या है, मैं पागल दिख रही हूँ आपको कि खून नहीं है? बताओ क्या हुआ है, मम्मी बुलाओ, इतनी रात में कैसे चोट लगी? लड़ाई हो गई थी। किससे लड़ाई हो गई थी, बचा से लगी, बताओ, मम्मी बुलाओ? नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, सबको सोना। क्या हुआ है मुझे बताओ तो, कैसे चोट लगी है? पूरा लड़ाई हो गई थी। किससे लड़ाई हो गई थी, 50 बार आपसे मना करो, लड़ाई झगड़े मत किया करो, दर्द हो रहा है। मेरा कपड़ा दूसरी शर्ट लाओ, ये कपड़ा दिखाओ, कहाँ चोट लगी है? लग गई, क्या करना है, वो ले आओ। कैसे लगी है बताओ? अच्छा, सिर में लगी है ज्यादा, दर्द हो रहा है? हां हां, दवा वा दूं? तो धोने के लिए रख दो। बोलो ना क्या हुआ है, कैसे चोट लगी है, गाड़ी से कुछ लगा है, गाड़ी से हुआ है? बोला लड़ाई हो गई थी दोस्त की। कोई बात नहीं, तुम तो बताओ ऐसे हो गया आपको,
देख रहा छोटा बच्चा है साथ में, मैं हूँ आपके साथ, अपने ये सब करोगे अब? चक्कर आ रहा है, पानी तो आराम से रुको, टेक लगा बैठो, ये लगाओ आराम से। पानी पियो, मम्मी मम्मी बताना। क्यों नहीं बताऊंगी, दिखेगा नहीं चोट? नहीं अभी सब। क्यों, क्या जरूरत है ऐसी हरकतें करने की बताओ? छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है साथ में आपके, छोटा सा बच्चा, लड़ाई झगड़ा करके आए हो। छोटी बेबी कुछ नहीं हुआ, पापा पापा ठीक है, आई लव यू बेटा। ऐसे ऐसी चीजें करोगे इसको क्या, कैसे होगा? देख रहे हो इसको, उसे क्या समझ है अभी? आप लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो। मम्मी को बुलाओ, मम्मी इसे को मत बुलाओ यार, रात में सोने दो सबको। अरे यार चोट लगी है, क्या सोने दो, उन लोगों को नींद आएगी आपको? ये कोई ऐसा बात हुआ है, दवा हुआ है ना, दर्द वाले में खा के सो लो, सुबह डॉक्टर को दिखा लो। ये पट्टी उठी कहाँ से बांधे थे? कहाँ पे, कैसे, क्या हुआ मुझे बताओ, कैसे लड़ाई हुई? कुछ और लाऊं खाने पीने को? खाना खा लिया, दोस्त की लड़ाई हो गई थी, उसको बचाने के चक्कर में उसको मार रहे थे सब, उसको बचाने के चक्कर में उसके नाक से खून आया, और रोकने के चक्कर में मारे सब उसको, तो मैंने उसको रोका था, उसका खून मेरे भी लग गया, अब मेरी भी लड़ाई हो गई थी। हमेशा आपको ये पता है ना कि आप हमेशा दूसरों के चक्कर में आपको समस्याएं आती हैं, हमेशा दूसरों के चक्कर में आप फंसते हो, हमेशा दूसरों के चक्कर में आपका नुकसान होता है। पता है आप अच्छे हो, सबके बारे में सोचते हो, लेकिन ये तो सोचो कि हमारा क्या होगा ऐसी हरकतें आप करोगे तो। चलो सो जाओ, ऑन करो लाइट, खाना ना मैं खाऊं, मैं सर पे तेल लगा दूं? नहीं तेल नहीं, सर दर्द हो रहा, मत सो, दर्द हो रहा है। क्यों करते हो ऐसे? क्यों करते हो ऐसे? चलो ठीक है, चलो हटो हटो, मजाक कर रहा हूँ, हटो, झूठ बोल रहे हो काली, मैं रोऊं ना इसलिए? अरे हटो, मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब मजाक कर रहा हूँ, फ्रैंक कर रहा हूँ, फ्रैंक, तुम्हारे साथ प्रैंक किया मैंने। चोट नहीं लगी है? नहीं, कल लगाया था मैं 2 रुपए वाला पुड़िया वाला। गंदे हो यार, कितने गंदे हो। लेकिन उसमें खून लगा हुआ है, वो असली खून का निशान है। कैसे? वो दोस्त लड़ाई हुई थी मेरे, लेकिन मुझे चोट नहीं आई थी, चोट उसको आई थी, तो उसका खून मेरे शरीर पे लग गया था, तो उसी ने आइडिया दिया था, क्योंकि वो भी तुम्हारा ब्लॉग देखता है ना, उसने मेरे से बोला था कि भाभी के साथ आज ब्लॉग बना लेना प्रैंक वाला, तो मैंने उसी के आइडिया से प्रैंक का। जान रहे हो ना, आपको खरोच भी आ जाते, मेरी सांस सूख जाती है, गला सूख जाता है एकदम, तब भी ऐसा करे, मैं ऐसा प्रैंक नहीं करी कभी। कोई बात नहीं, कभी आज तक आपके साथ ऐसा प्रैंक करी हूँ? कोई बात नहीं, अच्छा प्रैंक होता रहता है। नहीं होता नहीं रहता, ऐसा प्रैंक मत किया करो यार, जान रहे मेरी जान निकल जाती है, आपको कुछ होता है। लेकिन वो धो देना कपड़ा, कौन का निशान है? हाँ धुलवाओगे तो वो ही, ये कौन धोएगा, ये जो फर्जी लगा के आए हो धुल जाएगा। प्रैंक किया इसे मैंने, प्रैंक किया, अब देखना। बाबू देखो मम्मा मार रही है, पापा देखो मर, पापा लड़ाई करके आया, उसके बाद मार रही है, मर पापा मर 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 चलो चलो खाना पीना। तो गाइस कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, बस आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ भाभी के साथ व्लॉग बनाइए, उस पर प्रैंक करिए, उनके साथ उनका रिएक्शन दिखाइए, तो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कमेंट। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट अब मैं करूंगी प्रैंक इनके साथ, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। बहुत प्रैंक किया मेरे।